नमस्कार, मैं पूर्णिमा आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 1 हुआ था अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित। भारत ने अपना पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को भेजा था। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 1 का कक्षीय निवेशन 8 नवंबर 2008 को हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण कार्यक्रम का यह 27वां उपक्रम था। चंद्रयान 1 का कार्यकाल 2 वर्ष का था, लेकिन 29 अगस्त 2009 को बीच में ही नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट जाने पर इसे 30 अगस्त को बंद कर दिया गया। इससे पूर्व चंद्रयान प्रथम ने चंद्रमा की ध्रुवीय कक्षा से रिमोट सेंसिंग के जरिए चित्र भेजे थे। इसरो ने दावा किया कि चांद पर पानी भारत की खोज है। चंद्रयान प्रथम से जमा किए गए डेटा के आधार पर नासा ने भी इसकी पुष्टि की थी। भारत सरकार ने आज के दिन लागू की थी नोटबंदी। भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू की थी और इसके तहत 500 और 1000 रुपए के नोट चलन से बाहर कर दिए गए थे। सरकार इसके बदले 500 और 2000 रुपए की नोट लाई थी। विमुद्रीकरण या नोटबंदी एक आर्थिक गतिविधि है जिसके तहत सरकार पुरानी मुद्रा को बंद कर देती है और नई मुद्रा को चालू करती है। जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इससे निपटने के लिए नोटबंदी का प्रयोग किया जाता है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने वर्ष 1978 में पहली बार विमुद्रीकरण किया था। भौतिक शास्त्री रोंटजेन ने आज के दिन किया था एक्सरे का आविष्कार। जर्मनी के वुटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्राध्यापक विलियम कॉनराड रोंटजेन ने 8 नवंबर 1895 को एक्सरे का आविष्कार किया था। एक्सरे एक प्रकार का विद्युतीय चुंबकीय विकिरण है जिसकी वेवलेंथ 10 से 0.01 नैनोमीटर होती है। एक्सरे के दो विशेष गुण तीव्रता और ठोस पदार्थों में प्रवेश क्षमता है, जिसे एक्सरे की कठोरता भी कहा जाता है। एक्सरे का प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में बहुतायत में किया जाता है, इसे रोंटजेन विकिरण भी कहते हैं। द्रविड़ और सचिन ने आज के दिन की थी 331 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी। क्रिकेटर राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने 8 नवंबर 1999 को हैदराबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 331 रनों की साझेदारी कर विश्व कीर्तिमान बनाया था। यह न्यूजीलैंड के विरुद्ध किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी थी। इस मुकाबले में सचिन तेंदुलकर ने 150 गेंदों में 20 चौके और 3 छक्कों की मदद से 186 रनों की नाबाद पारी खेली, जबकि द्रविड़ ने 153 गेंदों में 15 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 153 रन बनाए थे। उनका यह रिकॉर्ड वर्ष 2015 विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और मार्लोन सैम्यूल्स ने साझेदारी कर तोड़ा था। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।